अब ये देखो, ये है गीजर या गाइजर, और यहाँ पर देखो ये पानी किस तरह से हीट होने की वजह से नीचे, क्योंकि मैग्मा है, हम फोल्ट लाइन के ऊपर हैं, तो ये हीट होने की वजह से ऊपर इस तरह से पानी प्रेशर से निकलता है। सो जस्ट सी, तो यहाँ पर है वो नेचुरल गाइजर या गीज़र बोलूँ, मैं गीज़र बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर है नेचुरल गीज़र, और इसके अंदर, इस गीज़र में पानी है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है। तो है बेसिकली क्या, हमारे नीचे 4-5 किलोमीटर नीचे मैग्मा है, मतलब मोल्टन जो रॉक है वो है, और मोल्टन रॉक होने की वजह से ऊपर क्या है कि पानी है, तो नीचे मोल्टन रॉक फिर पानी। तो अब उस रॉक की वजह से पानी हीटअप होता है, तो वो स्टीम बढ़ती रहती है क्योंकि ऊपर, उसके ऊपर मिट्टी है, तो प्रेशर कुकर की तरह बन जाता है। और जैसे ही वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, स्टीम फैलती है, गर्म होने पानी फैलता है, स्टीम बनता है जब गर्म होती है, और जैसे ही वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता है, तो वो एकदम से बीच में कोई कुछ भी गड्ढा हो या हल्का सा कुछ उसे स्पेस मिले तो ऊपर निकलता है। और वो जो पानी है, वो जो स्टीम है, वो जो निकल रहा है, वही चीज़ है ये, उसी को कहते हैं गीज़र या गाइज़र। वो यहाँ पर हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे हैं दो, जो ये हैं गाइजर या गीज़र, वो तितोहू है। तितोहू मतलब जो बड़ा बिग स्प्लैश, तो ये हर 15 मिनट में एक बार होता है, और दूसरा वाला जो बड़े वाला है वो हर 1 घंटे में 2 बार है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 बार इरप्ट होता है, और वो 14 से 15 मीटर तक है जो उसकी हाइट है, वो चली जाती है। तो ये नेचुरल गाइजर्स हैं। और अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो येलो कलर का जो इरप्शन है, जो यहाँ पर निकला हुआ है, ये येलो जो कलर है, ये कॉपर और आयरन है, वो है। अगर आप ये वाइट कलर का देखोगे, ये सारा सिलिका है, और बीच में अगर आपको थोड़ा सा येलो दिख रहा हो, तो वो सल्फर है। अब जो ये सिलिका है, ये इसका जो ये वो बता रहे थे कि 100 ईयर के करीब लेता है वो कुछ मिलीमीटर बनने में, इरप्ट होके यहाँ पे जो इकट्ठा है उसको होने में, उसी के हिसाब से इसकी टोटल जो डेप्थ उन्होंने निकाली है कि कितना जमा हुआ है, तो इनको पता चला है कि ये जो पूरा जो बना है पार्ट, ये अराउंड 50,000 ईयर्स ओल्ड है। सो ये 50,000 साल के लगभग है जो इसकी जो है उम्र है। तो ये उधर साथ में अगर आप देखोगे तो पूल है, एक जो छोटा सा पूल है, इसके अंदर कह रहे हैं कि हम स्विमिंग भी करते हैं, जिसका जो पानी है वो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस के करीब है, हल्का सा ल्यूक वॉर्म है। तो यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस के करीब का जो ये है पूल है, और यहाँ पर ये स्टीम निकल रही है नीचे से, और हर थोड़ी देर के बाद ये जो है वो इरप्ट होता है। अब यहीं पर वो बोल रहे थे कि या तो आप इधर ही स्टॉप कर सकते हो, एक ट्रेन आएगी, छोटी सी ट्रेन है जो स्ट्रीट पर ही चलती है, उसमें बैठ करके आप वापस जा सकते हो, या फिर ये 25 मिनट की वॉक है, जिसको आप वॉक को अगर करते हो तो रास्ते में आपको ऐसी नेचुरल जो गीज़र्स हैं, वो गाइज़र्स बोलें, कुछ भी बोलो आप, तो नेचुरल है जो गीज़र हैं वो आपको दिखेंगे, और आप वो देख सकते हो। अब ये देखो, ये इरप्ट शायद हो रहा है हल्का सा, इधर अगर आप देखोगे तो ये इरप्ट होना स्टार्ट हो गया। ये देखो, इसकी हाइट काफ़ी ऊपर जा रही है, तो ये हर 10-15 मिनट में एक बार इरप्ट होता है, और काफ़ी ऊंचा चला जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इस ब्रिज के ऊपर भी छोटे छोटे होल्स करके रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से भी ये जो है स्टीम है निकल रही है। बड़ी गंदी सी स्मेल है यहाँ पर, पंजेंट स्मेल, क्योंकि जो नीचे से गैसेज हैं वो निकल रही हैं, सल्फर है वो इधर निकल रहा है। तो ये जगह बहुत ही एक नेचुरल वंडर ही कहूँगा मैं इसे, एक तरह का। तो मैं आगे चलता हूँ, अपना सफ़र कंटिन्यू करता हूँ। तो उसी गीज़र का एक और लुकआउट है, ये छोटा सा लुकआउट बनाया हुआ है। इस लुकआउट से आप एक और एंगल से, टॉप एंगल से, उसको गीज़र को देख सकते हो। यहाँ से भी सेम ही चीज़ दिख रही है, जिसमें कि जो ऊपर टॉप सरफेस पर सिलिका वगैरह जो दिखाई दे रहा है वो है, और साथ में हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो ये जो स्टीम है जो ऊपर आ रही है, जो ऊपर जा रही है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इसी साइड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो स्मेली एरिया है ये, बट हाँ नेचुरल जो है वो वंडर है। तो यहाँ पर वो दिख रहा है बहुत ही अच्छे से, और यहाँ से पूल है, जो पूल भी बड़े
अच्छा सा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट सा पूल है, ग्रीन ब्लू सा कलर है उसका। और मैं आपको पूल भी दिखाता हूँ, मैं निधि को बोलता हूँ आपको पूल दिखाएगी आगे जा करके। तो ये पूल है, ब्लू ग्रीन सा कलर है इसका, बहुत ही अच्छा एक पूल दिख रहा है। अब मैं अपना सफ़र कंटिन्यू करता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। ये जो एरिया है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये एक फोल्ट लाइन है, तारावेरा फोल्ट लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। जब लास्ट टाइम माउंट तारावेरा जो वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, वो जब इरप्ट हुआ था, तो उसने 17 किलोमीटर लंबा जो है जो लैंड है उसको ऐसे खोल दिया था। तो 17 किलोमीटर जो लंबा गैप है, फोल्ट लाइन है, हम उस फोल्ट लाइन के ऊपर ही खड़े हैं। और ये बहुत ही रिस्की एरिया, बहुत ही डेंजरस एरिया, यहाँ पर वही वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही मैग्मा, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में नीचे से पानी जो है वो बॉयल हो करके ऊपर आता रहता है। तो ये पूरे पहाड़ अगर आप देखोगे हर जगह पर, यहाँ पर आपको ये सिलिका, सल्फर, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हर जगह पर वाइट कलर का जो है वो सिलिका, ये आपको दिखाई देगा। इधर भी अगर आप देखो, और मैं चलता हूँ साथ साथ तो आपको दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पर भी जो है वोल्केनो के अंदर से धुआं वो निकल रहा है। सो बहुत ही नेचुरल, अगर आप जगह पर जाना पसंद करते हैं, नेचुरल वंडर्स को देखना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह देखने के लिए। अगर बच्चे साथ में हैं तो उनको लेकर के आप वहीं से, जो इन्होंने चलाई हुई है एक ट्रेन चलाई हुई है, उसको ट्रेन को लेकर के साथ में आप जा सकते हैं। तो अगर बच्चे साथ में, क्योंकि ऐसी जगह पर आना, बच्चों को ऊपर लेकर जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो बच्चे साथ में तो वो वापस चले जाएंगे। अदरवाइज़ आप आराम से घूम सकते हो अगर घूमना चाहो तो। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, स्टॉप, दिस एरिया इज़ नॉट सेफ। तो इस तरह का यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। और सेफ इसी वजह से नहीं है क्योंकि एक्टिव है नीचे मैग्मा वोल्केनो, तो कुछ नहीं पता वो कब फट सकता है। और यहाँ पर भी पहाड़ के अंदर से जगह जगह से जो है वो स्टीम है और जो गैसेस हैं वो इधर से निकल रही है। सो ये सब पूरा फोल्ट लाइन के ऊपर है। तो ये जो पत्थर हैं, ये जितने भी हैं यहाँ पर, ये बहुत गर्म है, अलाउड नहीं है ये इसके ऊपर बैठना। तो इधर भी आप देखोगे अलग अलग कलर के जो कंपाउंड्स हैं वो दिख रहे होंगे आपको, कुछ कुछ रेड दिख रहा है बीच में आपको, और ये नीचे ग्रीन और येलो जो है वो दिख रहा है। जैसे कि आप इस पत्थर को भी देखोगे, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एक लेयर्स में बना हुआ है ये, और ये देखो पूरा रेड रेड हुआ पड़ा है। और ये जो है वो कुकर है, ये इसके अंदर जो है एंसेस्टर्स हैं जो वो खाना बनाते थे इनके। तो अगर आप इसको देखोगे तो कुक करने के लिए जो है ये ढक्कन है, इसे ढक देते थे, नेचुरल यहाँ पे हीट रहता था, पत्थर रख के वो पत्थर गर्म हो जाते थे और खाने को गर्म करके यहाँ से पकाया जाता था। तो इधर है जो खाने का है वो बनाते हैं, ये इसको कहते हैं कुकर, नेचुरल स्टीम वेंट कुकर। और अब ये देखो, ये इरप्शन इस टाइम पर चल रही है, जो कि हर थोड़े देर के बाद, मतलब एक घंटे में ये दो बार होता है। तो अब ये इरप्शन चल रही है इस टाइम पर, और देखो कितना अच्छी हाइट है जो इसकी इस टाइम पर हुई पड़ी है। ऊपर भले ही कितनी भी ठंड हो, नीचे जो है धरती है उसको कोई मतलब नहीं है, उसने तो उतना ही हीटअप करके रखना है। और ये पानी उसी तरह से, उसी की वजह से बाहर निकल रहा है। तो ये इरप्शन देखिए कुछ देर तक चलती है, उसके बाद अभी ये बंद हो जाएगी।
एक ये देखो बोट बनी हुई है पूरी, एक सिंगल ट्री की बनी हुई है और इसके ऊपर चप्पू जो हैं वो भी रखे हुए हैं। सो पूरी एक एक ही पेड़ से शायद जो है ये बनी हुई है, बहुत अच्छा काव किया हुआ है इसे, पूरी बोट है ये। तो अगर कोई सुवेनियर्स लेने हैं तो यहाँ पर ये सुवेनियर स्टोर भी है, जहाँ से आप कोई भी चीज़ जो यहीं की है बनी हुई, यहाँ के क्राफ्ट्समैन ने बनाई है या फिर इस जगह को थीम्ड कोई चीज़ बनाई गई है, टी शर्ट्स एंड ऑल, वो सब आप चीज़ें खरीद सकते हो, की रिंग्स ये वो। तो हमने कुछ सुवेनियर्स लिए हैं अपने लिए यहाँ से जाते हुए। यहाँ का ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि मैंने शुरू में सोचा था कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बट सच में बहुत ही अच्छा था, बहुत नेचुरल, एकदम ब्यूटी नेचुरल चीज़ें मुझे देखने को मिली, नए फिनोमेना देखने को मिले, गीज़र देखने को मिला, काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हुई, कीवी बर्ड के बारे में पता चला, अदरवाइज़ कीवी को तो हम जस्ट पिक्चर्स में ही देखते थे, तो यहाँ पे कीवी बर्ड को देखा और उनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त हुई। तो टी पुया एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ मैंने वुड कार्विंग्स देखी, यहाँ पर मैंने जो है अलग अलग तरह की बोन कार्विंग्स देखी, वीविंग यहाँ की जो ट्रेडिशनल वीविंग है वो सब माओरी लोग कैसे करते हैं, तो वो सब देखा सीखा, माओरी लोगों से मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो ओवरऑल आप अगर यहाँ पर आते हो तो डेफिनेटली टी पुया आना, ज़रूर आना।